Hello students, welcome again with a new topic. Our new topic is part 4, this is video part 4. Our topics are pollination, pollinating agents, pollen pistil interactions. Without wasting the time, we are coming to the first topic, pollination. This is the procedure of transfer of pollen grains from anther to stigma. एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर यदि स्टिग्मा पे होता है तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। इस तरह से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं दो पोर्शंस में, सेल्फ एंड क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन, ओटोगैमी एंड जेटनोगैमी, जबकि क्रॉस को यदि कैटेगराइज करें तो जीनोगैमी भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम्स बनाए हैं, यहाँ पर कुछ ये प्लांट नंबर वन है फर्स्ट, और दिस इज प्लांट सेकेंड। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों को समझाने के लिए लीनियर स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ये दोनों ही प्लांट सेम स्पीसीज के हैं, सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है। यहां पर लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर मैंने फर्स्ट जो ग्रीन सीधा बनाया उसको कैलिक्स, यहां पर ये कोरोला आ गया, ये आपका एंड्रोशियम यानी एंथर आ गया और ये गाइनोशियम आ गया, ठीक है। इस हिसाब से एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में से यदि यहां एंथर से पॉलिनेशन जो निकल के हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफराइज हो जाए तो उसको कहते हैं ऑटोगेमी। दिस कॉल ऑटोगेमी एंड दिस कॉल सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा पोर्शन हो गया? ऑटो। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस कॉल ऑटोगैमी। और ये ऑटोगैमी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है वियोला, ऑक्सेलिस, ठीक है। बेसिकली इनके एडाप्टेशन की बात भी करेंगे अपन, उसके बाद बात करें अपन यहां पर यदि इस फ्लावर के पॉलिनेशन यहां पर ट्रांसफर हो जाए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट एंड द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन टू द स्टिग्मा ऑफ द अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दिस फिनोमेनन कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और इस सेल्फ पॉलिनेशन को हम कहेंगे जी एटनो गैमी, जी एटनो गैमी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी हो गया और ये सेल्फ पॉलिनेशन जी एटनो गैमी हो गया। इस तरह से यदि हम ऑटोगेमी और जी एटनो गैमी को कैटेगराइज करें तो इस कैटेगराइज के अंदर बेसिकली आप एग्जांपल्स के अंदर ये चीज कॉर्न आ सकती है, यहां पर कॉर्न, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा इजी करने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दूं मैं। यहां से यदि ये पॉलन ग्रेन बन रहा है और इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर हो जाए जो सेम स्पीसीज का, तो इस तरह का जो फिनोमेनन है क्रॉस पॉलिनेशन वो हो जाता है जीनोगैमी। क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनादर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। प्लांट दूसरा होगा, स्पीसीज सेम होगी, यहां से पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं और इसकी स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो इस तरह की फिनोमेनन को हम यहां पर जीनोगेमी के नाम से जानते हैं। और ये जो जीनोगेमी का फॉर्मेशन हो गया बेसिकली ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के अंदर होता है, जो यहां पर खुले रहते हैं। ये आपकी पोजीशन आ गई मैंगो। एजेंट्स के थ्रू होने वाले जितने भी पॉलिनेशंस हैं उन सब में जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन वाला इवेंट ही होता है बेसिकली। अब हम बात करें कि हर एक टाइप के पॉलिनेशन के लिए कुछ अडाप्टेशन चाहिए, उसके ब्रॉडली कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन चीजों को अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। यस,
यस नेक्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करें ऑटोगेमी। ये ऑटोगेमी की डेफिनेशन होगी, ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑक्सिलिस ओला एंड पी प्लांट इनके एग्जाम्पल है। अडेप्टेशन में होना चाहिए क्लिस्टोगेमी, बेसिकली इस तरह के फ्लावर जो ऑलवेज रिमेन क्लोज फॉर्म, जब क्लोज होंगे तो बाहर से कोई पॉलिनेशन अंदर आएगा ही नहीं, इस तरह से ऑक्सिलिक और वियोला और पी प्लांट दोनों ये सभी के सब क्लोज रहते हैं। सेकेंड बायसेक्शुअल, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ होने जरूरी है और मेल और फीमेल पार्ट दोनों साथ साथ मिच्योर भी होने जरूरी है जिससे सेम टाइम पर पॉलिनेशन हो सके। स्मॉल साइज ऑफ फ्लावर, फ्लावर की साइज छोटी होनी इसके साथ साथ जरूरी है। तो बेसिकली ये जो इवेंट्स हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो ऑटोगेमी है वो इन रिक्वायरमेंट्स के फिल होने पर ही कंप्लीट होगा। यस, सेकंड नंबर जेक्नोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशंस टू द एंथर ऑफ द अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसका मतलब ये हुआ पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर दो अलग अलग फ्लावर्स होंगे उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम जिएटनोगेमी कहेंगे। जनरली ये फ्लावर्स कभी भी बंद नहीं रह सकते, ये ओपन रहेंगे और ओपन बेसिकली उनकी साइज छोटी है तो वो आसानी से जिएटनोगेमी कर सकते हैं। अब हम बात करें जीनोगेमी, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, द पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द जेनेटिकल एंड इकोलॉजिकल डिफर प्लांट्स। दो अलग अलग प्लांट्स है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं, इस प्लांट का पॉलिनेशन इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए तो इस तरह को हम जीनोगेमी कहते हैं। पर ये आए कैसे, इसके लिए कुछ एजेंट्स होने जरूरी हैं। ये एजेंट फिजिकल एजेंट हो सकते हैं जैसे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू ये पॉलिनेशन होगा, या फिर बायोलॉजिकल में आते हैं आपके एनिमल्स, बर्ड्स, बैट, स्नेल, इंसेक्ट, आंट, स्नेल्स, ये सभी बेसिकली एजेंट्स में आते हैं। आगे फर्दर नेक्स्ट वाले रीजन के अंदर अपनी बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, आज ही बात करनी है। अडेप्टेशंस की बात करें, सुटेबल अरेंजमेंट दैट मेक इजी टू जीनोगेमी, फर्स्ट यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स में या तो मेल पार्ट होना चाहिए या फीमेल पार्ट होते हैं। बेसिकली मेल पार्ट जो फ्लावर मेल के अंदर मेल पार्ट यदि एंथर स्टैमेन होगा तो उसको हम कहते हैं बेसिकली उसको हम कहेंगे यहां पर स्टैमिनेट फ्लावर। नेक्स्ट यदि हम बात करें यूनिसेक्सुअल के अंदर तो उसके अंदर फीमेल पार्टी है तो फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो स्टैमिनेट फ्लावर मेल फ्लावर होता है और पिस्टिलेट फ्लावर फीमेल फ्लावर होता है, इस तरह से एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे तो उसको बेसिकली एक मजबूरी हो गई कि वहां से पॉलिनेशंस किसी दूसरे फ्लावर में जाएंगे जरूर। हेटेरोगेमी का मतलब हुआ कि बेसिकली एक प्लांट में बायसेक्शुअल कंडीशन है और उस बायसेक्शुअल कंडीशन के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिच्योर एक साथ हो रहे हैं तो वहां पर मौजूद जितने भी गैमेट्स होंगे वो क्या कर लेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो तो दोनों की स्थिति अलग अलग होगी, बेसिकली ये एक ही टाइम के अंदर दोनों एक साथ मिच्योर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग टाइम के अंदर बेसिकली मिच्योर होंगे तो इसे हेटरोगेमी कहते हैं। हेटरोगेमी के अंदर यदि मेल पार्ट उसका एंथर वाला स्टैमिन वाला पार्ट पहले यदि मिच्योर हो रहा है तो उसको कहते हैं प्रोटा एंड्रस, और फीमेल पार्ट मेल पार्ट के कंपेयर में पहले मैच्योर हो रहा तो उसको कहते हैं प्रोटा गाइनी। तो एक टाइम में या तो मेल पार्ट ही मिच्योर होगा एक टाइम में फीमेल पार्ट ही मिच्योर होगा तो एक मजबूरी होगी कि वहां से उस फ्लावर को अपने पॉलिनेशन करने के लिए किसी दूसरे फ्लावर दूसरे प्लांट के अंदर जाना पड़ेगा। हेटरोस्टाइल में क्या है कि बेसिकली किसी भी फ्लावर की जो भी कार्पल वाला पोर्शन होता है उसकी स्टाइल में बहुत लेंथ होती है, बहुत ज्यादा लेंथ होगी और ये लेंथ कभी भी मैच नहीं करेगी एंथर स्टैमेंस के साथ में। तो एक तरह से यदि मैं बात करूं ये फीमेल पार्ट आ गया, नीचे वाला ओवरी आ गया और यहां पर हम बात करें एक स्टैमेंस की तो स्टैमेन की जो फिलामेंट है उसकी साइज तो छोटी रहेगी और जो कार्पल वाला पोर्शन है उसकी लेंथ
स्टाइल की बहुत है, तो लॉन्ग यहां पर लॉन्ग स्टाइल होगी और यहां पर हो गया शॉर्ट फिलामेंट ऑफ एंथर यानी स्टैमेन। तो इस तरह का जो डिफरेंस होता है जिसकी वजह से बायसेक्सुअल होते भी एक फ्लावर उस कंडीशन के अंदर यदि सेम टाइम में दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हैं तो भी यहां का पोलोनियम इस जगह पर से यहां नहीं पहुंचेगा और उसको मजबूरी से क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ेगा। हर कोई ये नहीं, कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टाइप के बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैरियर्स का मतलब क्या है, पोलोनियम्स एक ज्वाइंट फॉर्म में रिलीज होते हैं, जब ज्वाइंट फॉर्म में रिलीज होंगे तो वो बेसिकली स्टिग्मा पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसके अलावा यहां पर जब किसी भी बाइसेक्शुअल फ्लावर के अंदर स्टामन डिस्पोज होते हैं तो डिस्पोज बाहर की तरफ होंगे तो उस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह के स्ट्रक्चरल और साथ साथ फंक्शनल जो बैरियर्स होते हैं पॉलिनेशन इन अ वे ऑफ द पॉलिनेशन दैट फॉर हर को गेम। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, पहले मैंने बताया आपको। पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर आ जाता है सबसे पहले फिजिकल और उसके बाद देंगे अपन बायोलॉजिकल। नेक्स्ट, डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन वो स्पेशल टाइप के एक्सटर्नल और बेसिकली एजेंट्स क्या है, बेसिकली फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन, फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन दैट कॉल एजेंट्स। एजेंट्स वॉट आर विंड, इंसेक्ट, स्नेल्स, स्नेक, बर्ड्स, बैट और एंट हो सकते हैं। यहां दो कैटेगरीज होगी, वाटर और विंड आ रहे हैं फिजिकल में, बाकी सारे आ रहे हैं बायोलॉजिकल में। सबसे पहले हम बात करें वाटर के थ्रू, वाटर के थ्रू जो होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। और इस हाइड्रोफिली के अंदर जो एग्जांपल आता है वो आ जाता है वैलिसनेरिया। दूसरा विंड, विंड के थ्रू होने वाला जो भी एजेंट, विंड एजेंट के थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन है उसको कहते हैं एनेमोफिली। और एनेमोफिली का एग्जांपल है कॉटन एंड कॉर्न, कॉटन एक एग्जांपल है। इंसेक्ट की बात करें तो यहां पर एंटेमोलॉजी, एंटेमोफिली, इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका रोज, बटरफ्लाई भी इसमें आ रही है तो आप अपने आसपास में 80% जो एंजियोस्पर्म्स फ्लोरिंग एंजियोस्पर्म्स फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा एजेंट की तरह काम करता है। स्नेल्स को आ जाता है आपका मेलेकोफिली, मेलेकोफिली के अंदर एग्जांपल आ जाता है आपका लेमना। स्नेक सर्पेंटो फिली, इसका बैक का एग्जांपल है सैंडल। बर्ड्स के अंदर आ जाता है आपका ऑर्निथो फिली, और ऑर्निथोफिली के अंदर एग्जांपल है सिल्क कॉटन। बैट के अंदर आ जाता है आपका कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली, और इस कायरोप्टेरोफिली के अंदर एग्जांपल्स आ जाता है आपका बहोनिया। और आंट के अंदर आ जाता है आपका मर्मेकोफिली, मर्मेकोफिली, और इस मर्मेकोफिली के अंदर एग्जांपल है अकेशिया जिसको बबूल भी कहते हैं। तो एक कैटेगरी आ गई एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एक तरफ एजेंट्स हैं ये पॉलिनेशन फिनोमेनन है और इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये पढ़ दे सकते हैं। अब यहां पर अगर ध्यान देने वाली बात है, तीन कैटेगरी हम मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट देखेंगे। वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं, इसके लिए क्या एडेप्टेशन जरूरी है, उस फ्लावर का शेप, उस एंथर का शेप, उस कार्पल का शेप, बेसिकली उसमें ऑर्डर होगी या नहीं होगी, उसका कलर होगा कि नहीं होगा,
सेकेंड विंड के थ्रू, जिसको हम एनोनोफिली कहते हैं, उसके लिए क्या एडेप्टेशन होने जरूरी है फ्लावर में, और बेसिकली इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन के अंदर एंटमोफिली जिसको कह रहे हैं उसके लिए कौन कौन से एडेप्टेशन होने चाहिए, देखते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बेसिकली जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है अलग अलग एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, उनके अंदर फ्लावर में कौन कौन से अडाप्टेशन जरूरी है देखते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करें विंड पॉलिनेशन, जिसको कहते हैं एनेमोफिली। किसी भी फ्लावर के अंदर, प्लांट्स के अंदर एनेमोफिली यदि हो रहा है तो वहां पर अडाप्टेशन के लिए पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, ड्राई होने जरूरी है। उसके बाद उनका वेट कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। एनेमोफिली का फर्स्ट यहां पर अडाप्टेशन हो गया। उसके बाद बात करें अपन फ्लावर की, फ्लावर का जो शेप है वो स्मॉल होना चाहिए, उनमें कलर जैसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर नहीं होगा, नेक्टर नहीं होगा उसके अंदर। एंथर की बात करें तो एंथर बेसिकली यहां पर लॉन्ग फिलामेंटस होना चाहिए। यदि लंबाई में होगा फिलामेंट्स तो हवा में आसानी से वो झूल सकेगा, और हवा में आसानी से झूल सकेगा तो पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। स्टिग्मा, यदि एक स्टैमेन, एक एंथर यदि पॉलिनेट छोड़ चुका है तो स्टिग्मा का वहां पर थोड़ा सा फैदरी होना जरूरी है बेसिकली, तो स्टिकी और फैदरी होना जरूरी है, तब जाकर के वो ट्रांसफर होने वाले पॉलिनेशन को अपने पर चिपका पाएगा, फैदरी होना जरूरी है। तो ये सबसे पहले एडेप्टेशन से जो एनेमोफिली होने के लिए जरूरी है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनेमोफिली। नेक्स्ट बात करें अपन हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली फिनोमेनन पॉलिनेशन का होने के लिए बेसिकली जो अडेप्टेशन चाहिए उनके अंदर फ्लावर्स का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, इसी तरह का इसमें कलर नहीं होना चाहिए, इसमें नेक्टर ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, स्टिग्मा जस्ट अपोजिट लॉन्ग होनी चाहिए और स्टिकी होनी चाहिए। यानी कि स्टिग्मा स्टिकी है, यहां पर भी स्टिकी है, बट यहां पर एंथर लॉन्ग है जबकि यहां पर स्टिग्मा लॉन्ग है। ये हाइड्रोफिली और एनेमोफिली दोनों के बीच का डिफरेंस यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन इंसेक्ट के थ्रू होने वाला एंटेमोफिली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर यहां पर कलर्ड होना चाहिए। कलर कैसा, ब्लू पर्पल कलर ऑलवेज बीज को अट्रैक्ट करता है, जबकि रेड कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो बटरफ्लाई को और अदर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ब्लू एंड पर्पल बीज को, हनी बीज, जबकि रेड है वो बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करता है। तो कलरफुल होना जरूरी है फ्लावर का, इसके साथ में उसमें नेक्टर होना चाहिए, जब नेक्टर होगा तो उसमें ऑर्डर होगी और ऑर्डर होने से वो इंसेक्ट उसको स्मेल अप करते हुए वहां तक खिंचा आता है। तो ये बेसिकली अडाप्टेशंस हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, या बेसिकली इस तरह के फिनोमेनन के थ्रू उस फ्लावर में कुछ अडाप्टेशंस होने जरूरी है। यहां पर हम लास्ट टॉपिक बात करें अपन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस। ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस क्या है बेसिकली, यहां पर हम बात करें, आगे स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि पॉलन ग्रेन्स और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शंस जो होता है उसको हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। देखते हैं, नाउ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस, द सुटेबल इंटरेक्शन बिटवीन पिस्टल एंड पॉलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। जो एंथर के पोर्शन है उसमें बनने वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में सुटेबल चेंजेस होते हैं, सुटेबल इंटरेक्शंस होते हैं। एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जो स्टैमेन से बन रहा है, एंथर से डिस्चार्ज हो रहा है, वो बेसिकली किसी पिस्टल के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो रिकॉग्नाइज किए जाने के बाद जो सुटेबल चेंजेस हो रहे हैं
जिसकी वजह से यहां पॉलिनेटिंग पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा और वो पॉलन ट्यूब इस तरह से मेल गैमेट को लेकर जाएगी और मेल गैमेट को क्या करवाएगी, फॉर लीड फॉर फर्टिलाइजेशन। सो द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपेटिबल पॉलन ग्रेन। इस पिस्टल के जो स्टिग्मा है उसके अंदर एक एबिलिटी है, वो एबिलिटी क्या है, ट्रांसफर होने वाले पॉलन ग्रेन्स को पहचान सकता है। और यहां पर ये स्टिग्मा क्या देगा, यहां स्टिग्मा नोरिशमेंट देगा, न्यूट्रिशन मीडियम की पोजीशन के अंदर यहां पर पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स पॉलन जर्मिनेशन करेंगे। तो इस तरह से पॉलिनेटिंग पॉलन जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स राइज अ पॉलन ट्यूब टू कैरी द मेल गैमेट इन एम्ब्रियो शेप फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है बेसिकली वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। सो द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपेटिबल का मतलब जो मिच्योर होता है, कंपेटिबल पॉलन ग्रेन्स टू इनिशिएट पॉलन ट्यूब। ये सुटेबल पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, आगे क्या होगा, यहां पर जो इनिशिएट पॉलन ट्यूब है वो प्रोड्यूस होने वाले जर्मिनेशन के दौरान होने वाले मेल गैमेट्स को लीड करेगा फर्टिलाइजेशन के थ्रू। सो थ्रू पॉलन ट्यूब ट्रांसफर ऑफ पॉलन न्यूक्लियाई जिनको हम मेल गैमेट्स कहते हैं, मेल गैमेट्स टू एम्ब्रियो शेप, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टिग्मा के थ्रू रिकॉग्नाइज करने वाली एबिलिटी है जिसे अपनी ही स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को वो रिकॉग्नाइज करेगा। सुटेबिलिटी यहां पर प्रोवाइड होगी तो पॉलन जर्मिनेशन होगा, जब पॉलन जर्मिनेशन होगा तो यहां से पॉलन ट्यूब राइज होगी और ये पॉलन ट्यूब जो राइज होगी वो फैसिलिट करेगी, क्या फैसिलिट करेगी, जिससे मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन्स में है उनका ट्रांसफर यहां से लेकर के किस में हो सके, एम्ब्रियो सीक में हो सके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाली क्लास में मेरे वीडियो नंबर 5 में पढ़ेंगे अपन डबल फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सब उसी में टॉपिक में आएंगे। सो अपनी स्टडी को ऑन रखें, थैंक यू।